दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह से मैं श्वेता फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नवीन विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है स्त्रियों के शरीर पर पाए जाने वाले विभिन्न तिलों का अर्थ। दोस्तों, ये हमारे इस वीडियो सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। आशा करती हूँ आपको इसमें दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि हम सबसे पहले बात करेंगे स्त्रियों के कानों पर पाए जाने वाले तिल। दोस्तों, यदि किसी स्त्री के कान पर तिल है तो वो उसके आभूषण प्रिय होने की सूचना देता है। जरूरी नहीं कि वो आभूषण कान का है, वो आभूषण कोई भी हो सकता है जो बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्से में पहना जाता है। दोस्तों, कान के नीचे यदि किसी स्त्री के तिल है तो यह तिल यह बताता है कि यह उसकी शत्रुता अन्य स्त्रियों से ज़्यादा होगी। तो इसके दो रीज़न होते हो सकते हैं, या तो उसके अंदर खुद शत्रुता की भावना ज़्यादा होगी या दूसरी स्त्रियां उससे जलन करेंगे, इस वजह से उसके शत्रु ज़्यादा होंगे। दोस्तों, अगर यदि किसी स्त्री के दाएं कान पर ज़्यादा तिल है तो दोस्तों ऐसी स्त्री कम आयु में ही बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएगी। लेकिन यदि उसके बाएं कान की तरफ तिल है ज़्यादा तो यह उस महिला के रहस्यमय गुणों को बताता। हो सकता है कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो जो दूसरों को मिस्टीरियस लगे, या उसको मिस्टीरियस साइंस जैसे कि अकल्ट साइंस, पामिस्ट्री, ज्योतिष, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। दोस्तों, यदि किसी स्त्री की थोड़ी पर तिल हो तो दोस्तों ऐसा तिल उस महिला की सफलता और संतुष्टि का सूचक है। यह तिल यह भी बताता है कि उस महिला को धन प्राप्ति के साधनों का कभी अभाव नहीं होगा और उनको इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। लग्जरी, धन, ये चीज़ें जल्दी मिलेंगी। लेकिन ऐसा तिल थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि लोगों के साथ उनका मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाता है, खासकर उनमें मिलनसारिता की कमी हो सकती है। ऐसा दो रीज़न से होता है, या तो वो महिला बहुत ज़्यादा शर्मीले स्वभाव की होगी कि वो दूसरों से मिल ना पाए और लोग उसकी बातों को समझ ना पाए, और दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव की होगी कि ज़रा ज़रा सी बात पर किसी से उसका मनमुटाव हो जाए। दोस्तों, यदि किसी स्त्री के गले पर तिल है तो दोस्तों उस वह लेडी हुकूमत चलाना ज़्यादा पसंद करेगी, खासकर लोगों को अपने नियंत्रण में रखना जरूर पसंद करेगी। लेकिन ऐसी स्त्री बहुत ज़्यादा धार्मिक होगी, ईश्वर भक्त होगी और श्रद्धालु भी होगी। दोस्तों, यदि किसी स्त्री के बाईं भुजा पर तिल है तो दोस्तों ऐसा तिल उस महिला को कला, काव्य, अभिनय, संगीत इत्यादि के क्षेत्र से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि वह अगर उस फील्ड से रिलेटेड ना भी हो तो उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों, ऐसी स्त्रियों के साथ एक सबसे अच्छी बात यह होती है कि उन्हें धन और यश भी बहुत ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दाहिनी भुजा पे यदि किसी महिला के तिल है तो यह उसके बाहुबल, बाहुबल मतलब किसी काम को खुद के बूते करने की योग्यता को बताता है। दोस्तों, इसी तरह यदि किसी महिला की पेट पर तिल हो तो दोस्तों ऐसा तिल उसके भोजन प्रेमी होने को दर्शाता है, साथ ही साथ उसे मिष्ठान का भी बहुत शौक होता है। इसके अलावा दोस्तों, जिन महिलाओं के पीठ पर तिल होते हैं ऐसा तिल महिला को परिश्रमी व उन्नतिशील बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्त्रियों के हृदय स्थान पर पाए जाने वाले तिल के बारे में। तो दोस्तों, यदि किसी स्त्री के हृदय के बीच के पास या हृदय पर कहीं भर तिल है तो ऐसा तिल उसके सौभाग्य को बताता है, मतलब वो सौभाग्यशाली होगी। लेकिन इसकी दो कंडीशन होगी, यदि आपके राइट चेस्ट की तरफ तिल ज़्यादा है, मतलब तिलों की मात्रा ज़्यादा है, तो पुत्र की प्राप्ति ज़्यादा होगी, और यदि लेफ्ट साइड में तिल ज़्यादा है तो ये कहा जाता है कि कन्या संतानों की संख्या अधिक होगी। दोस्तों, इसी तरह यदि किसी लेडी के थाइस पर तिल ज़्यादा होते हैं तो इस तरह के तिल उसकी यात्रा और भ्रमण को शो करते हैं, मतलब उसकी जॉब या तो ऐसी होगी या उसके पति की जॉब ऐसी होगी या उसके जीवन में ऐसे घटनाएं होंगी कि उसे बार बार कहीं कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, या वो खुद ट्रैवल की बहुत शौकीन होगी। दोस्तों, यदि किसी लेडी के स्त्री के पाँव के टखने में बिल्कुल तिल है तो ये तिल थोड़ा बुरा होता है। ये तिल उसके जीवन में दरिद्रता और खुशहाली की कमी को बताता है, मतलब उसके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से धन अभाव उसको महसूस होता रहेगा। दोस्तों, यदि किसी लेडी के पाँव के तलवे पर तिल है तो ऐसा तिल उसके ट्रैवल को शो करता है, मतलब यात्राएँ बहुत अधिक करनी पड़ेंगी।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।